So in today's video, we'll take conflict management topic. Conflict किसी भी organization में हो सकता है, या फिर आप normally देखें तो conflict क्यों arise होता है, जब भी किसी दो individuals के opinion match नहीं करते. अगर मैं कुछ चीज़ खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, laptop खरीदना है मुझे, और मुझे Lenovo laptop खरीदना है, ठीक है, but मेरी जो friend है वो मुझे बोल रही है कि HP का खरीदो, ठीक है. अब हम दोनों में एक ओपिनियन का क्लैश है, लेकिन अगर यही चीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती और कोई डिसीजन ऐसा होता जो दोनों को अफेक्ट करने वाला है, यहाँ पर क्या है, मैं कोई भी लैपटॉप खरीदूँ उससे मेरी फ्रेंड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो सिर्फ अपना एक ओपिनियन दे रही है, तो यहाँ पे ओपिनियन का क्लैश है सिंपल टर्म्स. लेकिन अगर वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में देखी जाए, जब कॉमन गोल के लिए दोनों इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, तब आता है कन्फ्लिक्ट. तो कन्फ्लिक्ट का मतलब कि जब आप किसी कॉमन गोल के लिए कोई ओपिनियंस में जब क्लैश आ रहा है और उस कॉमन गोल के लिए आप दोनों काम कर रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है, डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टीज, सिंपल टर्म. उसके बाद अगर इसको किसी और वर्ड में बोले तो क्या होगा, डिसएग्री ओवर अ सिग्निफिकेंट इशू. अब वो सिग्निफिकेंट इशू ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का डिसीजन लिया जा रहा है, किस टाइप का इशू है, किस टाइप का प्रॉब्लम है, तो वो अफेक्ट करता है. हर टाइप के हिसाब से कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं. वो प्रॉब्लम्स सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स सिंपल या रेगुलर कैजुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. तो जब भी मैनेजर को ये पता लगता है कि एक कन्फ्लिक्ट आया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं रिएक्ट करने के. वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंस रखेगा. कोई भी मैनेजर जब भी कन्फ्लिक्ट को जानने की कोशिश करता है, तो वो ये देखता है कि सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, वो कन्फ्लिक्ट आया कहाँ से है. अगर किसी भी कन्फ्लिक्ट का सोर्स पता लग जाए तो उस कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने में आसानी होती है. तो मैनेजर ट्राई करते हैं, उनका फर्स्ट अटेम यही होता है कि वो सोर्स को ढूंढ पाए. अब जो रिएक्शंस की बात मैंने की, वो फाइव टाइप्स के रिएक्शन किसी भी कन्फ्लिक्ट के हो सकते हैं. कौन कौन से फाइव रिएक्शन? वो फाइव रिएक्शंस हो सकते हैं अवॉइडेंस, एकोमोडेशन, कंपटीशन, कोलैबोरेशन. For this, there is one model, conflict management model, which you can see here. अब यही फाइव reactions कैसे किए जाते हैं उनको एक एक करके समझते हैं. जब भी organization में managers अगर कोई भी conflict आ रहा है और वो उसको ignore कर रहे हैं, ठीक है, ignore कर रहे हैं, वो ऐसे react कर रहे हैं कि exist ही नहीं करता कोई conflict. वो conflict exist ही नहीं करता, तो ऐसे में वो अवॉइड कर रहे हैं. तो यहां पर इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि पांच चीजें इसमें आएंगी, कॉम्प्रोमाइज, अवॉइडेंस, एकोमोडेशन, कंपटीशन, कोलैबोरेशन. जब मैनेजर नॉन कोऑपरेटिव है, यानी कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इन दोनों वर्ड्स को हम पहले समझ लेते हैं जो मैंने साइड में लिखे हैं, क्योंकि इन्हीं से ही मेन चीज डिफाइन की गई है. कोऑपरेशन आपको पता है कि जब साथ में काम करते हैं, आप कोऑपरेट करते हैं किसी को, ठीक है, किसी की हेल्प करते हैं, किसी का, अगर मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोऑपरेशन होता है पूरा. और एक और टर्म यहाँ पे लिखी है, दैट इज असर्टिव. असर्टिव का मतलब है कि जब आप अपने ओपिनियंस को क्लियरली डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियंस को, और क्लियरली टर्म्स में करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में या एग्रेसिव में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, यहां पे आप पॉजिटिव वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, ठीक है. तो ये दो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस मॉडल में क्या है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन नहीं हो रहा है मैनेजर्स की तरफ से, और मैनेजर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि वो कन्फ्लिक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता,
तो उस बेसिस पर यहां पर आता है अवॉइडेंस, क्योंकि यहां पर ना ही कोऑपरेशन है और ना ही असर्टिवनेस है, नॉन असर्टिव है, ठीक है। यहां पर आप ना ही कोई अपना ओपिनियन डिफाइन कर रहा है और ना ही मैनेजर कोऑपरेट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आएगा जब कोऑपरेशन हो रहा है लेकिन कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है, तो यहां पर आएगा एकोमोडेशन। उसके बाद हमारा आता है जब आप एक्सर्टिव तो हैं, जब आप अपना ओपिनियन तो दे रहे हो लेकिन कोई मैनेजर की तरफ से कोऑपरेशन ही नहीं है, तब अराइज होता है कंपटीशन। एंड देन व्हेन यू आर एक्सर्टिव, आप अपना ओपिनियन भी रख रहे हो, आपको कोऑपरेशन भी मिल रहा है, तो होता है कोलैबोरेशन, ठीक है। कोलैबोरेशन का मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है कि टीम, जब भी कोई टीम होती है तो उसका कोलैबोरेशन एक बहुत की फीचर होता है कि सारे लोग एक साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ कोलैब करते हैं, उनके नॉलेज कोलैब करती है, उनकी इन्फॉर्मेशन साथ में मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। सो ये मॉडल ये डिफाइन करता है कि जब दो बिहेवियर्स होते हैं, दैट इज असर्टिव एंड कोऑपरेशन, तो अगर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है तो कोलैबोरेशन के साथ काम होता है। अगर सिर्फ कोऑपरेशन इन्वॉल्व है लेकिन आप अपने ओपिनियन नहीं दे रहे हो तो एकोमोडेशन हो रहा है, यानी कि उस बेसिस में हमें एकोमोड करना पड़ता है। उसके बाद नॉन कोऑपरेटिव और नॉन एसर्टिव, जब आप उस प्रॉब्लम को, उस कन्फ्लिक्ट को एग्जिस्टेंस में ही नहीं मानते और उसको आप अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो अवॉइडेंस। और जब आप अपने ओपिनियंस तो दे रहे हो, मेंबर्स अपने ओपिनियंस दे रहे हैं लेकिन मैनेजर नॉन कोऑपरेटिव है, तो कंपटीशन अराइज होता है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ रिएक्शन है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज होता है इन चारों को मिलाकर, ठीक है। जब कॉम्प्रोमाइज से वर्ड से ही आप समझ रहे हैं कि जब सारी चीजों के या सारे चीज दूसरों के ओपिनियंस को समझते हुए हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि ठीक है इस बार ये कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, है ना, कॉम्प्रोमाइज। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इस मॉडल को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है। सो आई होप आपको कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट समझ आया हो। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर डाउट्स पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।